कथा मने पकाइले प्रधानमंत्री भावविहळ हेले मोदी कहिले खीरी खाइबा बेले मने पड़िला माँ को कथा किछि करिबाकु जिबा बेले माँ खुआउथिले मिठा ए अनुभव मो पूरा जीवन रो पुंजी। आज भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचा पर सीधा जाते गाड़कण गाड़कण में प्रधानमंत्री आवास योजन शुभ उद्घाटन करने हिताधिकारी गृह प्रवेश कर प्रथम आवास हिताधिकारी अंतर्जामी नायकों घर को गृह को उद्घाटन कर गृह प्रवेश करते मोदी अंतर्जामी घर ठाकुर पूजा करने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी क्षीरी खाई अंतर्जामी हिताधिकारी पर भेट पखापाखि अध घंटा आलोचना करते प्रधानमंत्री परे जनता मैदान अभिमुखे बाहरी तेज जनता मैदान में खीरी खावा कथा उठाई प्रधानमंत्री कहवा बेले बेस भावविहळ होते मोदी माँ कथा मन पक मो भौणी खुशी खीरी खुआई अनुभव मो पूरा जीवन पुंजी। भाइयों बहनों यहाँ आने से पहले मैं हमारे एक आदिवासी परिवार के गृह प्रवेश के कार्यक्रम में उनके घर भी गया था। उस परिवार को भी अपना नया पीएम आवास मिला है। उस परिवार की खुशी, उनके चेहरों का संतोष मैं कभी नहीं भूल सकता। उस आदिवासी परिवार ने मुझे, मेरी बहन ने खुशी से खीरी भी खिलाई और जब मैं खीरी खा रहा था तो स्वाभाविक था कि मुझे मेरी मां की याद आना, क्योंकि जब मेरी मां जीवित थी तो मैं जन्मदिन पर हमेशा मां के आशीर्वाद लेने जाता था और मां मेरे मुंह में गुड़ खिलाती थी। लेकिन मां तो नहीं है, आज एक आदिवासी मां ने खीर खिलाकर मुझे जन्मदिन का आशीर्वाद दिया। ये अनुभव, ये एहसास मेरे पूरे जीवन की पूंजी है। गांव, गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी समाज के जीवन में आ रहा ये बदलाव, उनकी ये खुशियां ही मुझे और मेहनत करने की ऊर्जा देती है। तेज भुवनेश्वर गाड़कण में प्रधानमंत्री आवास हिताधिकारी घर बुली देखी थे प्रधानमंत्री। 10 लाख पीएम आवास ग्रामीण हिताधिकारी मिलला योजनार प्रथम किस्ती। 26 लाख पीएम आवास ग्रामीण एवं सहरांचल हिताधिकारी गृह प्रवेश होइछि। भुवनेश्वर गाड़कण में प्रधानमंत्री को कराजाइथिला भव्य स्वागत संवर्धना। आवास योजनार 20 हिताधिकारी गृह प्रवेश कराइले मोदी। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।